सबसे पहले जय बजरंगबली। दोस्तों एक एक्शन सुपर हीरो मूवी आने वाली है थिएटर में हनुमान के नाम से, जिसमें लीड रोल निभाते नजर आएंगे तेजा हाजिया, वारा लक्ष्मी, अमृत अय्यर एंड वैनडा किशोर जैसे और भी कई सारे स्टार। दोस्तों यह मूवी दुनिया के सबसे ताकतवर अवतार यानी कि हमारे हनुमान जी के ऊपर बेस्ड होने वाली है, जिसको डायरेक्ट किया है प्रशांत वर्मा ने, जो प्रशांत यूनिवर्स का हिस्सा है। एक साल पहले जब मूवी का टीजर आया था तो इन्होंने इसका टीजर लॉन्च इवेंट भी रखा था, जिसमें दुनिया के सारे सुपर हीरो हमारे हनुमान जी के सामने सिर झुकाए खड़े हैं भाई साहब। और आज यानी कि मंगलवार के दिन इसका ट्रेलर भी रिलीज कर दिया गया है, जो मैंने देख लिया है। तो कैसा है ये ट्रेलर, आइए बात करते हैं। यह मूवी आरकेडी स्टूडियो की तरफ से आने वाली है, और भाई ट्रेलर के शुरुआत में जब लिखा हुआ आता है ना इंस्पायर्ड फ्रॉम द इतिहास ऑफ अखंड भारत, तो भाई छाती चोरी हो जाती है। एनीवे अगर ट्रेलर की बात करें तो 3 मिनट 32 सेकंड के ट्रेलर में बहुत ही बेहतरीन सिनेमाटोग्राफी, सीजीआई और वीएफएक्स देखने को मिलते हैं। हालांकि कहीं कहीं पर वीएफएक्स में थोड़ी कमी भी दिखाई दे रही है, जैसे इस सीन में जब टाइगर भाग रहा है और इसके साथ हमारा हीरो तेजा हाजिया भी भाग रहा है, इस सीन पे थोड़ा और काम करना चाहिए था। और दूसरा सीन जहां पर हनुमान यानी कि तेजा हाजिया पहाड़ उठा रहे हैं, तो कुछ एक सीन है जिनमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत थी, लेकिन इसके बजट के हिसाब से इसके वीएफएक्स बहुत ज़्यादा अच्छे थे भाई। और कहीं कहीं पर तो ऐसे सीन्स हैं जिनके वीएफएक्स इतनी बड़े बड़े बजट की फिल्मों को भी पछाड़ रहे हैं। स्पेशली ये सीन जिसमें हनुमान जी की विशाल प्रतिमा दिखाई गई है, और ये पानी के ऊपर से जो कैमरा मूवमेंट हो रहा है ये बहुत अमेजिंग सीन था भाई। और ऊपर से हेलीकॉप्टर वाला सीन, ये भी सीन बहुत अच्छा था। और जब बात बजट की हो ही रही है तो इस मूवी का बजट है 70 करोड़ रुपये। हालांकि इसके बजट को देखने के लिए मैंने कई जगह सर्च किया, लेकिन सब जगह इसका बजट अलग अलग दिखाई दिया है, कहीं पे 72 करोड़, कहीं पे 70 करोड़, और एक जगह तो 12 करोड़ भी दिखाया है, लेकिन माना यह जा रहा है कि मूवी का बजट 70 करोड़ ही है। एनीवे अगर स्टोरी की बात करें तो इस मूवी में हमें कहानी देखने को मिल सकती है अच्छाई और बुराई के बीच, अंधेरे और रोशनी के बीच। यानी कि जो अपना हीरो यानी कि तेजा हाजिया है वो पहले इतना पावरफुल नहीं था, जिसको हनुमान जी की अपार शक्ति मिल जाती है और उसके बाद वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, और वो शक्ति है एक मणि के अंदर, और वो मणि है समुंदर के बीच में, जिसके ऊपर एक राक्षस यानी कि विलन की नज़र भी पड़ जाती है, और अब विलन निकल पड़ता है उस मणि को हासिल करने के लिए, जिसको रोकेंगे हमारे हनुमान जी यानी कि तेजा हाजिया। मूवी में जो हीरोइन है उनका काम भी अच्छा लग रहा है, उनको भी एक्शन करते हुए दिखाया गया है। यानी कि ये बात तो पक्की है कि हीरोइन को सिर्फ चेहरा चमकाने या फिर ग्लैमर के लिए नहीं रखा गया है, उनसे भी ज़बरदस्त काम लिया गया है। दोस्तों यह मूवी 12 जनवरी को थिएटर में रिलीज होगी, जिसको बड़ी स्क्रीन पर देखने का मजा ही कुछ और है, और जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ। लेकिन 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 उस दिन प्रभास की कल की मूवी भी रिलीज हो रही है, तो भाई कलेश तो पक्का है, लेकिन अगर सूत्रों की माने तो कल की रिलीज पोस्टपोन हो सकती है, क्योंकि अभी 22 तारीख को सलार आ रही है और इतनी जल्दी दूसरी इतनी बड़ी फिल्म रिलीज नहीं करेंगे ये लोग। ओवरऑल अगर ट्रेलर की बात करें तो ट्रेलर काफ़ी अच्छा था इसके बजट के हिसाब से, बाकी मूवी कैसी होगी ये तो मूवी आने के बाद ही पता चलेगा। तो दोस्तों ये था मेरा छोटा सा रिव्यू हनुमान के ट्रेलर के ऊपर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है भाई। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।